हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ नई रेसिपी शाही पनीर। तो आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं कैसे बनाऊँगी आप लोग देखना, और जो भी हमारे ब्लॉग में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं रेसिपी बना रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं बनाऊंगी ग्रेवी बनाऊंगी उसकी, शाही पनीर की। तो अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा भूनूंगी, लाल करूंगी तेल में डाल के। ये टमाटर है और ये प्याज है, दोनों को लाल कर दूंगी। उसके बाद मिक्सी में पीसूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम थोड़ा तैयार कर लें, उसके बाद दिखाएंगे आपको। दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ, ये है मक्खन और ये है ग्रेवी उसकी, प्याज टमाटर की। देखो दोस्तों कितने अच्छा कलर आया है इस पर। हम बनाऊंगी, ये बटर से बनाऊंगी मैं। बटर हमारा थोड़ा बाहर रख दिया तो गीला हो गया, अभी अभी रखा था बाहर मैंने। अभी फटाफट बना के तैयार कर रही हूँ। अभी बनाया ये दूध डाल रही हूँ, थोड़ा दूध डाल के रख दूंगी, थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा इसमें शाही पनीर का। तो मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग भी ऐसे बनाना। दोस्तों नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना और थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। हमारे सब्सक्राइब दोस्त लेते देते हैं और वापस भी ले लेते हैं दोस्तों। हमारी 1 साल हो गई है, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो दोस्तों। कोई गलती हो तो माफ़ करो और दोस्तों हमें सपोर्ट दो। दोस्तों ही मैंने ग्रेवी डाल दी है क्योंकि थोड़ा जम रहा था, इसलिए फटाफट कर रही हूँ। और हमारी बेटी का व्रत भी है, आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था कि मंडे को व्रत रखती है फिर भगवान का। मसाला थोड़ा पक जाए हमारा फिर आपको देखती, फिर आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में। दोस्तों हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब पनीर डालूंगी। दोस्तों हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं डाल दूंगी पनीर। तो आप लोग देख लो इतना अच्छा हमारी ग्रेवी का कलर आया है। कमेंट में बताना दोस्तों किसे किसे पसंद है शाही पनीर। देखो कितना अच्छा कलर आया है, हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। देखो शाही पनीर बन गया है, ये देखो। आप लोग भी ऐसे बनाना, कमेंट में पूछ लेना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय। कोई गलती हो तो माफ़ करना, हमें सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना।